बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोगों के लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो चिकन मंदी की रेसिपी है। ये एक अरेबियन डिश है, तो अब मैं आपको बताऊँगी कि आप इसको बहुत आसानी से अपने घर में किस तरह तैयार कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें एक मसाला तैयार करना पड़ेगा जिससे हम अपने चिकन को मैरिनेट करेंगे। इसको सऊदी मसाला कहते हैं। इसको आप मंदी के अलावा और बहुत सी अरेबियन डिशेज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए मैंने लिया है खुश्क धनिया, ज़ीरा, दालचीनी, लौंग और सब्ज़ इलायची, और इसके अलावा इसमें जाएंगे लेमन के छिलके। इन सारी चीज़ों को हमने इकट्ठा जो है वो मीडियम टू हाई आंच पे ड्राई रोस्ट कर लेना है। ड्राई रोस्ट का मतलब ये होता है कि हमने इन मसालों को खाली पैन में वैसे ही डाल के रोस्ट करना है। इनको तब तक रोस्ट करना है जब तक इनकी बहुत अच्छी से भुनी हुई खुशबू ना आना शुरू हो जाए। उसके बाद हमने इन मसालों को ठंडा होने देना है, और ठंडा होने के बाद हमने इनको पीस लेना है। पीसने के बाद आप इनको छान लीजिए। उससे क्या होगा कि जो बड़े चंक्स हैं वो अलग हो जाएंगे और जो मसाला है आपका वो सेपरेट हो जाएगा। फिर इस मसाले में हमने शामिल करना है एक टीस्पून जो है वो हल्दी का, वो डाल के इसको मिक्स कर लेना है। तो आपका मंदी मसाला होममेड तैयार है। अब इससे हम अपना जो चिकन है वो मैरिनेट करेंगे। एक मीडियम साइज़ का जो चिकन है उसको मैरिनेट करने के लिए मैंने 2 टेबलस्पून मंदी मसाले के लिए हैं और 1 टेबलस्पून नमक का लिया है। अगर आपके चिकन का साइज़ बड़ा है तो आप 3 टेबलस्पून जो है वो मसाले के इस्तेमाल करेंगे। चिकन को मैरिनेट करके ओवरनाइट रिकमेंडेड है। मैं इसको मैरिनेट करके रखूँगी और सुबह इसको मैं बनाऊँगी, लेकिन अगर आपको जल्दी है तो फिर भी 2 घंटे तो मैं मिनिमम आप लोगों ने जो है ना वो चिकन को मैरिनेट करके रखना है। चिकन की मैरिनेशन के बाद अब हम चावलों की तैयारी की तरफ आ जाते हैं। चावलों के लिए मैंने सबसे पहले ऑयल लिया है, उसमें दालचीनी, इलायची, लौंग, तेज़पात, साबुत काली मिर्च और ज़ीरा, जो इनकी क्वांटिटीज़ हैं वो मैं नीचे लिख दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ये मसाले जो हैं इनको हमने डाल के हल्का सा फ्राई कर लेना है ऑयल में, और फिर इसमें हमने प्याज शामिल करने हैं चॉप हुए हुए, और इसमें हमने डालना है 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और इन मसालों को अच्छी तरह से भूनेंगे। और इसके बाद हमने इसमें धुले हुए और सूखे जो सोख किए होते हैं पानी में चावल वो डाल देने हैं। ये मैंने धो के आधा घंटा पहले रख दिए थे, आधा घंटा ये पानी में भीगे रहे हैं। अब हमने चावलों को मिक्स करना है। आंच नीचे से हमने चूल्हे की बंद कर देनी है और चावलों को हमने चावलों में पानी डालना है। मैंने 2 कप चावल इस्तेमाल किए थे तो मैंने अपने 2 कप चावलों के हिसाब से 4 कप पानी डाला है और 2 टेबलस्पून जो है वो नमक के डाले हैं। आप जितने चावल इस्तेमाल करेंगे आपने उस लिहाज से उसमें डबल पानी डालना है। चिकन जो है आप देख लें पूरी रात ये मैरिनेट रहा है, और अब मैं इसको हल्का सा कलर देने के लिए थोड़ा सा फूड कलर ऑरेंज और बीच में ज़ाफ़रान मिक्स करूँगी। ज़ाफ़रान से बहुत अच्छी खुशबू और ज़ाफ़रान का अपना डेफिनेटली एक टेस्ट होता है, वो इसको लगा देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो चावलों वाला पतीला है, नीचे आंच नहीं जल रही, चूल्हा मैंने बंद कर दिया हुआ है, उसके ऊपर मैंने ये जाली रखी है। ये ग्रिल वाली जाली होती है जो अमूमन जो हमारे घरों में माइक्रोवेव्स इस्तेमाल होते हैं उनके साथ मिलती है। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप किसी भी किस्म की जाली वाली कोई बर्तन ऊपर रख सकते हैं चावलों के ऊपर। उसके ऊपर हमने ये चिकन रखना है। इससे ही क्या होगा कि चिकन ऐसे ही पकेगा और जो चिकन के सारे जूसेस और जो मसाले हैं वो चावलों के साथ मिक्स होंगे और पकेंगे। अब आप ये पतीला देख सकते हैं, इसको हमने इस तरह ढक देना है। एल्युमिनियम फॉइल इस्तेमाल करें, और एक बात और याद रखें कि जो भी आपने बर्तन इस्तेमाल करना है वो ओवन सेफ होना चाहिए। उसके जो हैंडल्स वगैरह हैं वो ऐसे नहीं होने चाहिए कि वो आप ओवन में ना रख सकें, लकड़ी या प्लास्टिक के नहीं होने चाहिए। अब हमने अपने इस पतीले को 185 डिग्री सेल्सियस पे प्री हीटेड ओवन में रख के मिनिमम 1 घंटे के लिए कुक कर लेना है। आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, हो सकता है आपका जो ओवन है वो 1 घंटा और 10 से 15 मिनट में इसको कुक करे। 1 घंटे के बाद मैंने अपने चावल जो हैं वो निकाल लिए हैं, जो आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्टली कुक हैं, और जो चिकन है वो भी बहुत अच्छी तरह से अंदर तक पक चुका है। अगर आप लोगों के पास ओवन नहीं है तो आप लोगों ने सेम सेटअप करके इसको ऐसे ही चूल्हे पर लो आंच पे 1 घंटे के लिए कुक करना है।
उसके बाद अब हम इसको देंगे कोयले का स्मोक देंगे। उसके लिए जो कोयला है वो मैंने अलग से अच्छी तरह से गर्म कर लिया है और उसको मैं ऐसे फॉइल में रख के उसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी और फिर इसको ढक के 5 से 7 मिनट तक रख देना है ताकि अच्छी तरह से इसको कोयले का स्मोक मिल जाए। उसके बाद आप इसको सर्व करें, इसको बनाएं, बहुत आसानी से बन जाती है। मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें, फिर हाज़िर होंगी ऐसी ही कोई आसान रेसिपी लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।